पद के लिए अपनी प्रतिष्ठा कैसे खोई जाती है ये बदनावर में देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दत्तीगांव मंत्री जरूर बन गए लेकिन लोगों के बीच अपना भरोसा खो बैठे। अब उनकी साख जार-जार होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पाला बदलकर सत्ता की रेवड़ी खाने वाले माननीयों को इन दिनों अपने क्षेत्र में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तेज तर्रार युवा कांग्रेस विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सिंधिया समर्थक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को अब तमाम संकटों का सामना करना पड़ रहा है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर मंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन बदनावर की जनता उनसे चिढ़ गई है। मंत्री बनने के बाद भी राजवर्धन सिंह को अपने विधानसभा क्षेत्र बदनावर में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 22 महीने पहले कांग्रेस की तारीफ करते नहीं थकने वाले दत्तीगांव अब उसी कांग्रेस के खिलाफ कमल के निशान पर जनता से वोट मांग रहे हैं। नेताजी का ये फैसला उनके वोटरों को पसंद नहीं आ रहा। यही कारण है कि जनसंपर्क के लिए निकले कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के सामने मतदाता दत्तीगांव वापस जाओ के नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। धार के कद्दावर कांग्रेस नेता माने जाने वाले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को जनता की नाराजगी के साथ ही बीजेपी नेताओं से भी भीतर घात का खतरा बना हुआ है। स्थानीय कांग्रेसियों ने दत्तीगांव से पर्याप्त दूरी बना ली है। ऐसे में मतदाता की नाराजगी और लोकल बीजेपी नेताओं का भीतर घात कहीं उपचुनाव में दत्तीगांव पर भारी न पड़ जाए। राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया और जिस जनता ने कांग्रेस के सिंबल पे आपको 2 बार विधानसभा में पहुंचाया, आज आपने उस जनता के विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के पैरों में रखकर बेच दिया। आपने जब 2003 में कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था, आपके पिताजी परम श्री प्रेम सिंह दत्तीगांव जी के कारण कांग्रेस पार्टी ने आपको 2008 में टिकट दिया, आप पे विश्वास जताया, आप जीते, 13 में आप हारे, 18 में फिर जीते उसी कांग्रेस पार्टी की कस्में खा के, उसी कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट मांग के, और आपने अपने वोटों का, आपने आपकी जनता का, जनादेश का जो कांग्रेस पार्टी को और माननीय कमलनाथ जी को मिला था उसको बेच दिया। आप याद रखिएगा राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, ये जनता अगर किसी को बना सकती है तो फिर उसको खत्म भी कर सकती है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।